कैरियर पॉइंट, ये करीब 30 ईयर ओल्ड इंस्टीट्यूशन है, पर लास्ट 4-5 साल में इसका जो ग्रोथ था थोड़ा स्लो था क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया था, पर दे आर गिविंग एजुकेशन राइट फ्रॉम केजी से पीएचडी तक का एजुकेशन प्रोवाइडर है, केजी टू क्लास 12 स्कूल्स, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है इनका, और फोकस है नीट, जी मेन, सीए फाउंडेशन और 10th एंड 12th सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स का। तो करीब 25 लाख स्टूडेंट्स लेते हैं मेडिकल और आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम, तो काफ़ी बड़ा स्कोप है कंपनी के लिए। परफॉर्मेंस सफ़र किया था कोविड के वक्त, पर अभी देख रहे हैं कि Q-on-Q परफॉर्मेंस थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। इनका जो रिव्यूज़ है वो भी काफ़ी अच्छा है, वेदर इट इज़ स्टडी मटेरियल, वेदर इट्स स्टूडेंट टीचर रेशियो, ओवरऑल सर्विस, पर सेकेंड ईयर का है, इट इज़ नॉट इन इन दैट टॉप लीग लाइक एलन, आकाश या फिट जी का, पर इन द सेकेंड टीयर इट्स अमंग द टॉप वंस। और कंपनी का नेटवर्थ है करीब 474 करोड़ का, बुक वैल्यू करीब 260 का, पर कोट कर रहा है 132 रुपीज में, तो मार्केट कैप करीब 240 करोड़ का है, विच इज मच लोअर देन द नेटवर्थ। परफॉर्मेंस इन द सेंस नेट मार्जिन करीब 44% का है, तो ईपीएस एक्सपेक्टेशन है मेरा करीब 15 रुपीज का फॉर FY 2023, तो गिविंग इट अबाउट 12x इसका टारगेट बनता है करीब 180 का। नहीं, एसबीआई लाइफ के काउंटर में यहाँ पर भी पिछले 3 दिनों के जो कंसोलिडेशन थे, काफी सारे नैरो रेंज कैंडल्स थे, वहां से एक ब्रेकआउट हुआ है। सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है काफी क्लासिकल रिबाउंड हो सकता है 1200 के लेवल के आसपास तक का। तो पोजिशनल टारगेट तो 1200 का होगा, शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा अराउंड 1165 का, स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1140 पे, एंड खरीदारी करनी है एसबीआई लाइफ के फ्यूचर्स में।